अस्सलाम वालेकुम मेंबर, दिस इज़ रुहेल अहमद और आप लोग देख रहे हैं काऊ मंडी एक्सपो। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग ब्रेक के बाद, ईद के बाद जो है सीज़न के बाद, अब दोबारा सीज़न स्टार्ट कर रहे हैं भाई 2023 का। तो आज मौजूद है मलिक मंडी के अंदर और यहाँ की आज आपको अपडेट करेंगे। तो मैं भी काफ़ी टाइम बाद ही आया हूँ मलिक मंडी, जो सीज़न पे आया था उसके बाद मैं अब आया हूँ। मसरूफियात थी मेरी, अब मैं थोड़ा सा फ्री हुआ तो मैंने कहा चलें आप लोगों को शौक करवाते हैं, तो अंदर चलते हैं मंडी। अभी तक मैं भी नहीं गया हूँ अंदर और जाके देखते हैं किस तरह के जानवर मौजूद हैं मंडी के अंदर और क्या रेट सब चल रहे हैं। तो चलें दोस्तों अंदर चलते हैं और आपको अपडेट करते हैं, जानवर दिखाते हैं। तो बस सबसे पहले ये है कि आप लोगों ने अभी तक के चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चलें दोस्तों अंदर चलते हैं और आपको अपडेट करते हैं। अभी भाइयों दोस्तों माल तो माशाल्लाह भरपूर खड़ा हुआ है और अच्छा भी नज़र आ रहा है यहाँ पे। ज़्यादातर अभी तो यहाँ पे खीरे ही छोटे नज़र आ रहे हैं क्योंकि आपको पता है अब तो टाइम है सीज़न के अंदर, अभी तो अभी तो छोटा माल ही आपको नज़र आएगा यहाँ पे। तो माशाल्लाह माल तो भरपूर नज़र आ रहा है और अच्छा कलर वाला भी नज़र आ रहा है। अभी आपको पहले एक ओवरव्यू देता हूँ मैं, फिर इंशाल्लाह उसके बाद रेट्स वगैरह भी लेना स्टार्ट करेंगे। बाकी माल आप देख सकते हैं, माल तो भरपूर खड़ा हुआ है यहाँ पे और जगह काफ़ी हो गई है, मलबा वगैरह ही पड़ा हुआ है यहाँ पे। बीच का साइड जो है थोड़ा ख़राब हुआ हुआ है, उस साइड पे भी काफ़ी माल खड़ा हुआ है। तो वहाँ चलते हैं, वहाँ देखते हैं, वहाँ से रेट्स वगैरह लेते हैं, फिर गेट की तरफ चलेंगे, वहाँ के जानवर वगैरह देखेंगे, उनके रेट्स वगैरह लेंगे। क्या है दांतों में? खीरी है। क्या पैसा है? 85,000 रुपये। लगेगी कब? इस साल? इस साल लग जाएगी। कितने महीने की? ये भी हो जाएगी कुर्बानी, कुर्बानी तक हो जाएगी। दो पक्की है? क्या होंगे देने वाले बिल्कुल आखिर? 80 की हो जाएगी, इससे कम नहीं होगी। और कौन कौन से? बस यही तुम्हारी है। 85,000 रुपये डिमांड है भाई। और खीरी, ये एक माशाल्लाह बच्चा अच्छा है। दोस्त क्या है दांतों में? खीरा है दांतों में। ईद पे लगेगा? इस साल लगेगा। क्या पैसे हैं? 280 मांग रहे हैं। 280 मांग रहे उसके भाई, 280,000 रुपये मांग रहे हैं। और कलर माशाल्लाह देख सकते हैं पूरा है, फुल पिंक नोस के अंदर गुलाबी, लेकिन है क्रॉस के अंदर ही। दोस्त क्या होंगे देने वाले आखिर बिल्कुल आखिर वाले? हाँ 260 होंगे, इससे कम नहीं होगा। 260 होंगे आखिर, 250 ढाई हो जाएंगे भाई, ढाई हो जाएंगे। भाई का कहना है कि आखिर बच्चा माशाल्लाह अच्छा है, कलर के अंदर है और यह है क्रॉस के अंदर ही। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? खैरियत से? क्या है दांतों में? चार है। क्या पैसे हैं? मना किया है? अच्छा पैसा नहीं बताना है। उसका माल है ना जिसका गेट पे खड़ा हुआ, क्या नाम है उसका? हमारे बड़े भाई का। हाँ बछड़े क्या है दांतों में? ये भी दो है। बाकी और भी देखते हैं, इस साइड पे भी थोड़ा माल कम है तो मैं भी इस साइड पे ले रहा हूँ, फिर बाकी उस साइड पे जाऊँगा, वहाँ रश काफ़ी है अभी और जगह जैसे नहीं नज़र आ रही मुझे वहाँ चलने की। तो मैंने कहा चलें यहाँ के पहले रेट्स ले लेता हूँ, यहाँ के जानवर वगैरह आप लोगों को दिखाता हूँ। हाँ लड़के क्या है दांतों में? दो है दांतों में। क्या पैसा है? 1.5 लाख रुपये। इतना पैसा? चोट भी लगी हुई है उसके, ज़ख्म हुआ हुआ है गाड़ी की, तो भी पैसा बहुत है, 1.5 लाख रुपए। साइड पे देखते हैं कुछ बड़े जानवर खड़े हैं, इनके रेट्स वगैरह लेते हैं। बच्चियां नजर आ रही हैं मुझे थोड़ी ज्यादा आज। अस्सलाम वालेकुम, क्या है दांतों में? खीरी है। पैसे बताएंगे? 1.5 खीरी है भाई और 1.5 इसकी डिमांड है। क्या है खीरी है? ये भी दोनों खीरी, दोनों खीरी है। क्या पैसे हैं जोड़ी के? सिर्फ 2 लाख रुपये जोड़ी के। जोड़ी भाई, जोड़ी के 2 लाख रुपये खीरी हैं दोनों बछिया है।
लेकिन ये कि बच्चियाँ माशाल्लाह अच्छी हैं। ये कि अगर आप इन पालने के लिए लें तो अच्छी, अगर पलाई करें तो अच्छी ग्रोथ कर सकती हैं। हाँ बाबा, क्या है दांतों में? खीरा है। क्या पैसा है इसके? हाँ, 95,000 रुपये खीरा है भाई, और 95,000 रुपये इसकी डिमांड है। सारा भी जो ये है पलाई वाला ही माल है, क्योंकि इनके ऊपर पलाई खीरे हैं सारे, तो इनके ऊपर तकरीबन 8-9 महीने की पलाई आएगी इस पर तकरीबन अभी। तो वो सारी चीज़ें भी आप पलाई के हिसाब लगा के और उस हिसाब से आप रेट उनके दे सकते हैं। गाड़ी में बच्चा जा रहा है माशाल्लाह, देख सकते हैं काफ़ी हैवी है। हलवा हाँ दोस्त, क्या है दांतों में? दांतों में खीरे हैं। क्या पैसे हैं? 90,000 रुपये। 90,000 रुपये भाई खीरे हैं और 90,000 रुपये मांग रहे हैं। यहाँ पे जो साइड पे खड़ा हुआ है ज़्यादा छोटा माल खड़ा हुआ, तो वो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये एक कलर के अंदर है। दांतों में क्या है दोस्त? दो दांत है ये। क्या पैसे हैं इसके? एक 60 मांग रहे हैं। 1,60,000 रुपये भी इसके मांग रहे हैं। दांतों में दो है, ये है के गेंद उसमें है, ये पिछोले के अंदर। इस साइड पे अगर आप देखें तो ज़्यादातर लाटे खड़ी हुए और एक वजन के अंदर जैसे जानवर हैं ज़्यादातर वो खड़े हुए, छोटे जानवर ज़्यादा यहाँ पे नज़र आ रहे हैं मुझे। बाबा क्या है दांतों में? ये खीरा है। क्या पैसे हैं? 90,000 रुपये। और इसके? इसके भी 90। खीरा है ये भी खीरा है। दोनों खीरे हैं भाई और 90,000 रुपये इनके मांग रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या है दांतों में? अच्छा सेट वहाँ खड़ा है भाई, सेट वहाँ खड़ा है भाई, तो पैसे नहीं बताएंगे क्योंकि पैसे ज़्यादा मांग रहे होंगे ना, इस वजह से पैसे नहीं बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम बाबा, सौदा चल रहा है इनका। बाकी इस साइड पर चलते हैं दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से? क्या है दांतों में? पक्का खीरा है। क्या पैसा है? 90,000 रुपये। और देने वाले क्या होंगे? देंगे भाई। कहाँ तक? 75 का, 2 का, 80 का। अच्छा, जहाँ 80 का जैसे बन गया। अच्छा, जहाँ बन गया उस तरह से भाई 75-80। अच्छा 75-80 तक के देने का इनका मूड है। एक रेंडमली मैं आप लोगों के लिए रेट्स लेता जा रहा हूँ और जो है फाइनल भी, अगर किसी से है कोई, अगर सही बात कर रहा है तो फाइनल भी इससे पूछ लेता हूँ ताकि आप लोगों का अंदाज़ा हो जाए। अस्सलाम वालेकुम, क्या है दांतों में? दांतों में अल्लाह, मालिक पीछे खड़ा है, तुम्हें नहीं पता? फिर लेके खड़े हो तो ख़रीदार आएगा तो तुम के मालिक को बुलाओगे तुम। हाँ लड़के, क्या है दांतों में? खीरा है। क्या पैसा है? 85,000 रुपये। और इसके? इसके ही 85,000 रुपये। 85,000 रुपये। और ये तकरीबन, अगर मैं वज़न आपको बताऊं तो ये तकरीबन है 1.5 से 2 के दरमियान, 1.5 मंथ अगर आप लगाएं इनका तो मीट वेट इनका बनता है तकरीबन 1.5 मंथ, 1.5 मंथ से थोड़ा सा ऊपर, 1.5 मंथ तक के हैं तकरीबन। तो इनकी जो डिमांड अभी मंडी के अंदर की जा रही है वो तकरीबन की जा रही है 90 तक, कोई 80-85 भी कर रहा है, तो ये इनकी डिमांड की जा रही है इस तरह के जानवर की। बाकी इस साइड पर जो है ये तो काटू है छोटा, कुर्बानी वाला माल जो है वो स्टार्ट के अंदर आगे के साइड पे, जैसे अभी ये भी छोटे खीरे हैं इनको पलाई कर सकते हैं, लेकिन उस तरह की पलाई अगर आप नस्ल वाले बच्चे जिनको आप महंगी पलाई करने जा रहे हैं तो उस तरह के बच्चे नहीं हैं, वो नाप झालर वाले अच्छे ग्रीन कलर वाले नस्ल वाले बच्चे जो होते हैं ना जिन पर आप पलाई अगर करें तो आपको अच्छा रिजल्ट मिले, वो बच्चे उस साइड पर अगर हैं आगे वो भी देखेंगे। अभी उस साइड पर रश काफ़ी है, चलने की जगह नहीं है, तो मैंने कहा चलो यहाँ के मैं कवर कर लेता हूँ, यहाँ के रेट्स वगैरह आप लोगों के लिए ले लेता हूँ। क्या है दोस्त दांतों में?
65,000 रुपये भी पक्के खीरे हैं और 65,000 रुपये ये तकरीबन है, एक एक मंथ तक के तकरीबन है ये मीट वेट के अंदर। इस साइड को तो ज़्यादातर है ना वो काटू का है, जैसे रोज़मर्रा के कटने के लिए भी जानवर होते हैं स्लॉटर वाले, वो वाले जानवर यहाँ पर मौजूद हैं। चलिए इनका भी एक रैंडमली एक रेट्स वगैरह इन लोगों के भी लेते हैं ताकि इनके भी अंदाजे कि काटू वगैरह के जो है वो जानवरों के क्या रेट्स हैं। क्या पैसे हैं दोस्त भाई? है नहीं है भाई, नहीं है, रेट नहीं बताएंगे कैमरे के सामने, रेट नहीं बताएंगे क्योंकि रेट ज़्यादा मांग रहे होंगे, क्योंकि रेट वही छुपाता है जो कोई ज़्यादा मांग रहा होता है, कि उसके दिल में कोई चोरी होती है तो ही रेट छुपा रहा होता है, बाकी ज़्यादातर लोग तो बता रहे होते हैं भाई। रेट्स बताने में क्या जा रहा है आपका? इस साइड पर देखें कितना कंजेस्टेड हुआ, अंदर जाने की जगह नहीं है। अस्सलाम वालेकुम दोस्त, क्या है दांतों में? ये खीरा, ये दो दांत। अच्छा, इसके क्या पैसे हैं? 125। एक 25 और दो दांत, कौन सा वाला है? ये वाला बीच वाला, ये दोनों दो दांत हैं। इनके क्या क्या? अच्छा, ये रेट है 125, 125 भाई तीनों के भाई, यही रेट मांग रहे हैं, 1,25,000, 1,25,000, 1,25,000, 1,25,000 रुपये रेट मांग रहे हैं। ज़्यादातर यहाँ पे छोटे घर हैं, जंगली काफ़ी है यहाँ पे। क्या है दांतों में? दो। क्या पैसे हैं? 80,000 रुपये दांतों में दो है भाई, और पैसे 80,000 रुपये। आप गंदगी देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हुई भी। भाई मंडी की जो कवरेज है वो इस वीडियो के अंदर कंप्लीट कवर नहीं हो पाएगी, एक पार्ट के अंदर, तो इसके दो तीन पार्ट तो तकरीबन बनेंगे, तो ये जब एंड हो तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट भी अपलोड होगा इसका, तो वो सारे पार्ट्स आपको मिलते रहेंगे। तो क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रश है तो अभी मैं खाली साइड का थोड़ा सा कवर करा है और तकरीबन अच्छी खासी वीडियो 10 मिनट से ऊपर चली गई, तो मुझे लग रहा है कि एक वीडियो के अंदर तो कवर नहीं हो पाएगा, तो इंशाल्लाह इसके दो तीन पार्ट्स आप लोगों को मिलेंगे चैनल पे। इसका रेट लेते हैं भाई, ये खूबसूरत ही बच्चा नज़र आ रहा है वो, अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से? क्या है दांतों में? खीरा है। क्या पैसे हैं? 1,20,000 रुपये। बच्चा ये कि खाद में अच्छा है, प्रिंट कलर वगैरह के हिसाब से अच्छा है, 1,20,000 रुपये मांग रहे हैं इसके। ये खाल के अंदर और प्रिंट में अच्छा है बच्चा। थोड़ा सा रास्ता देना। कुछ नहीं कहेगी, कुछ नहीं कहेगी। अस्सलाम वालेकुम। दांतों में क्या है? काला काला। हाँ, खीरा। खीरा खीरा है। क्या पैसे हैं? 75,000। 75,000 रुपये भाई दांतों में खीरा है। बच्चा ये क्या अच्छा है, छोटा है लेकिन अभी काफ़ी छोटा लग रहा है मुझे, ये इस पर तकरीबन 1.5-2 साल की भलाई आएगी, लेकिन ये है कि चालर वगैरह थोड़ी अच्छी है इसकी बच्चे की। क्या पैसे हैं? 75,000 रुपये दांतों में क्या है? दो है दांतों, दांतों में दो है, 75,000 रुपये मांग रहे हैं भाई। और जो है उस साइड ऊपर जो धक्का साइड है वहाँ पर तो ज़्यादातर काटू है छोटा, उस तरह का भी थोड़ा बड़ा माल मुझे नज़र नहीं आया क्योंकि यहाँ से मैं आपको देखने जा रहा था, यहाँ से एक आपको ओवरव्यू देता हूँ ऊपर से। अरे बच्चा उधर हो जाओ, माल तो है लेकिन छोटा काफ़ी, बड़ा जैसे नज़र नहीं आया मुझे,
क्योंकि मैं खुद सर्चिंग कर रहा हूँ एक जानवर अपने लिए 2023 के लिए। मेरी तो एक ही रिक्वायरमेंट है भाई, नीश काला। तो मुझे चाहिए थोड़ा अच्छे वजन का चाहिए, तो वो मैं आया था इस वजह से मलिर मंडी। तो चलें देखते हैं, बाकी दूसरी जगहों पर विज़िट कर रहा हूँ मैं, कहीं नज़र आता है मुझे अच्छा बछड़ा तो ताकि मैं पालने के लिए उसको 2023 के लिए। अगर नहीं यहाँ से होता तो फिर इंशाल्लाह फिर मैं पंजाब जाऊँगा लेने के लिए। बाकी एक इंशाल्लाह मूड है पालने का बछड़ा। इस साइड पे कुछ बड़े बछड़े खड़े हैं तो वो देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, खैरियत से? क्या है दांतों में? खीरे खीरे। क्या क्या पैसा है इसका? क्या पैसा? अच्छा आज पैसा नहीं पूछो, क्यों? आज ज़्यादा है पैसे? और सब खैरियत है? कंटिन्यू आ रहे हो? बड़े नहीं ला रहे बछड़े अभी? अच्छा तो काला है, नीश काला, चौलिस्तानी नहीं है? ये कुछ बड़े बछड़े स्टार्ट के अंदर ही खड़े हैं। और ये भी मारने की चीज है, ये भी मारने की चीज है।